लो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, ये तो तुम्हारी बात मानने को तो रात में भी तैयार थी, पर वो क्या है ना, लाख रुपए का सुन के तारे को शाग्द लग गया होगा। कहीं तू इस चक्कर में कुछ करने का तो ना सोच रही? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, ना पुलिस को इत्तला करूंगी ना किसी और को। मुझे बस 2 दिन का टाइम दे दो, मैं पैसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन तुम्हें हादिया को मेरे हवाले करना होगा। अरे सब्र, थोड़ा सब्र कर ले। वो क्या है ना, ये लाख रुपए तो सिर्फ टाकन मणि है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तू ये सौदा हमारी शर्तों पे करेगी। अब पैसे कहाँ और कैसे किसको देने फिर मैं तुझे बाद में बताऊंगी। चाहे तो 2 दिन और ले ले, लेकिन पहले लाख फिर बाकी सारी बात उसके बाद। कब कहाँ कर देने पैसे मुझे? अरे कितनी सादा है रे तू, हैं? तुझे क्या लगता है, हैं? अपने घर बुलाऊंगी क्या मैं? सुनो, पैसे कब कहाँ और कैसे देने ये मैं तुझे रात में बताऊंगी, लेकिन ज्यादा होशियारी करने की कोशिश ना करना तू, हैं? एक पैकेट में पैसे डाल के उसमें वो टक्कर मणि लिख के रख देना, ठीक है? उसके बाद हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। देखो हादिया को कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी गारंटी चाहिए मुझे। बात सुन, जब तेरी तरफ से कोई मसाना होगा ना तो हादिया को कुछ भी ना होगा, ठीक है? चल अब रख फोन, बाकी मैं तेरे को बाद में बताऊंगी कि मुझे पिज्जा कब और कैसे चाहिए, है? ओके। ए भाई का मजा, लाखों मिलेंगे लाखों। है? अपनी ही अलमारी में चोरों की तरह क्या तलाश कर रही? कुछ नहीं, वो देख रही थी बस। हाँ भाई, कर लो शक, कर लो मुझ पर। सारी जिंदगी खिदमत का ये सिला मिला। जुबैर, बात को दूसरी तरफ ना लेकर जाए। नहीं नहीं भाई, तुम्हारी मुझ पर बदएतमादी बढ़ रही है, इसका रोना रो रहा हूं मैं तो, और तो कुछ नहीं। जुबैर, मुझे तुम पर अब भी एतमाद है, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैसले तो करने पड़ेंगे ना। हाँ करो ना फैसले, लेकिन ऐसे फैसले ना करना कि जिसका कोई नतीजा ही ना निकले, कोई जवाब ही ना निकले। ऐसी बेसुध हो जिसका कोई न सर हो ना पैर। अच्छा ही सोच रही हूँ और इंशाल्लाह अच्छा ही नतीजा निकलेगा। समीना देखो, तुम एक दूरंदेश औरत हो ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम ये समझती हो और तुम्हें यकीन है कि मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई, मैं तुमसे माफी मांगू। सबा से माफी मांगूंगा, अरसल के पैरों में पड़ जाऊंगा, माफ करो बस, सॉरी, इसके अलावा क्या करूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने सीने पर यह हाथ रखकर सोचना होगा कि तुम्हारे फैसले से क्या क्या मुसीबतें नाजिल होंगी। जुबैर, अब तुम अंदाजे लगाना छोड़ दो। सबा इस घर से शादी होकर रुखसत हो जाएगी ना, तो इस घर में भी सुकून आ जाएगा। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि सबा को फुप्पी के घर में, अपने ही घर में वो सुकून नहीं मिल सका जो वो चाहती थी। और यकीनन उसकी बेसकूनी और बेआरामी का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं ये तो नहीं कह रही, मतलब तो यही है ना समीना, अगर तुम दोनों को ये लगता है कि इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार मैं हूं, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अगर कहोगे तो दुनिया छोड़ जाऊंगा तो बदतमीजी है, और तुम्हारी बदगुमानी में बर्दाश्त नहीं कर सकता समीना, तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मैंने तो उसे बहुत प्यार किया था, प्यार की शादी की थी, लेकिन तुमने तो मुझे अपनी बेकार उंगली की तरह काट के फेंक दिया।
जुबैर सुनो, जुबैर तुझे अपनी आपी से बात करनी है, ये ले, ले बात कर। अरे मजाक ना कर रही मैं, ले करना बात। हेलो आपी। हेलो मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ आपी। अच्छा आदिया, अब जो मैं पूछूं उसका जवाब हाँ या ना में देना। क्या कोई कच्ची बस्ती है? जी आपी। हेलो मैडम, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत ना हो रही है, हैं? जो पूछना है ना मारे से पूछ। मैं उससे सिर्फ तबीयत का पूछ रही थी। हैं? तबीयत को क्या हो रखा है इसकी? अच्छी भली है, खाती पीती रहती है हर वक्त। अच्छा वो पैसों का इंतजाम हो गया है, अब बताओ कि तुम लोगी किस तरह? जे हुई ना बात। अच्छा सुन इबना, मारा एक आदमी है थारे पास आएगा दोपहर को ठीक 2 बजे, उसके हाथ में पीसा दे देना। घर का पता है उसे? है घर का कैसे पता होगा, वो तो तू बताएगी ना ठीक ठीक से अपना एड्रेस। ठीक है। और सुन, अगर किसी को कोई खबर हुई या कुछ भी किया तो ये जो तूने अपनी बहन से बात की है ना, ये इसकी आखिरी बात भी हो सकती है, है? तो अब जैसे कहती हूँ ना तू वैसे कर, और जैसे मेरा बंदा है ना तो तू शराफत से उसके हाथ में पीसा दे देना और कोई चड़ाकी करने की कोशिश ना करना। ठीक है। हाँ बस एक दफा टुकड़मणि मिल जाए ना तो फिर उसके बाद मैं थारे को बताऊंगी कि थारी बहन थारे से कैसे और कहाँ मिलेगी। है चल अब तू मेरे को ना एड्रेस समझा। बात सुन, इस तरह से ना मारे को एड्रेस समझ ना आ रहा है, तू एक काम कर, मारे इसी नंबर पे ना तू पूरा एड्रेस सही ठीक ठीक तरीके से ना मैसेज कर दे। ठीक है? हाँ चल मैं रखती हूँ। कल लग जावेगी 1 लाख की दिहाड़ी। मैसेज आ रही, देख 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 एड्रेस आया है। अरे वाह।